क्योंकि ये देश सभ्यता और संस्कृति का देश है। हम यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं, यहाँ एक तरफ आरती होती है दूसरी तरफ अजान होती है। तो मेरा सबसे जो प्राथमिक काम होगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि हर समुदाय हर धर्म के जो लोग हैं उनको मिलकर एक डोर में बांध के अपने समाज को मजबूत करने का काम करूँगा। दो तरह की राजनीति होती है, धनबल और जनबल की। धनबल जिनके पास है धनबल की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास धनबल है। लेकिन मेरे साथ हर जाति धर्म समुदाय के गरीब वंचित शोषित लोग, खास तौर से जो हमारे समाज की माँ बहनें हैं, वो बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ हैं, हमारे युवा साथी मेरे साथ हैं। यही हमारी ताकत है और इसी ताकत पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को या जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं आदाब करना चाहूँगा। आदाब सलाम सत श्री अकाल। मैं फैयाजुद्दीन, गोड़ा बोड़ाम क्षेत्र संख्या 44 16/2 से जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ। मैं प्रत्याशी क्यों हूँ, क्यों बना, तो कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से सामाजिक मुद्दे से जुड़े कुछ ऐसे आंदोलन हुए, कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसमें हम समाज के साथ खड़े रहे। उसमें हमने जो एनालिसिस किया, एग्जिट जो निकल के आई कि हमारे समाज को एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, खास करके जो हमारे युवा साथी हैं उनको एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जो सही तरीके से लीड कर पाएँ। तो इसी तरह से बात चली और समाज के बीच, युवा साथियों के बीच तमाम बात होती रही। लोगों का एक ओपिनियन आया, लोगों ने एक सलाह दिया कि आप आइए। तो उन लोगों के सलाह पे, युवा साथियों के सलाह पे, अपने समाज के लोगों के सलाह पे हम अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश किए और लोगों का समर्थन मिला। अभी तक जहाँ भी क्षेत्र में गए हैं हर तरफ रिस्पॉन्स अच्छा आया है, तो इसलिए अभी बिल्कुल अच्छे मनोबल के साथ हम क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दा है मेरे यहाँ, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ बदहाल पड़ा है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इस सब टाइप का जितना मुद्दा है, रोज़गार से मुतालिक जिला परिषद सदस्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, जिस तरह से मुर्गा पालन, बकरी पालन, कृषि उद्धार, बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें इससे जुड़े लोगों को सरकार फ्री में ट्रेनिंग मुहैया कराती है, उसको 50% से 70-75% सब्सिडी पे लोन मुहैया कराती है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो इन सब कार्यों पे किसी का ध्यान नहीं रहा है, राजनीति होती रही है, विलेज लेवल की पॉलिटिक्स जो है वो होती रही है, इस पे किसी भी जो अब तक जो वर्तमान में सदस्य है या इनसे पहले भी रहे किन्हीं का ध्यान नहीं रहा। तो इन कुछ मुख्य चीज़ों को लेकर हम आए हैं जो जनता के बीच, जनता हमको चुन के भेजे और इन सब चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। और इसमें कुछ लोग बरगलाते भी है, ऐसे तो कमियां निकालते रहते हैं और करते रहते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। राज साहब कहते थे कि मैं नूर बनके ज़माने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बनके ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब में तीरे निकालते रहना। तो ये उनकी अपनी समझ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत बच्चा है, अभी छोटा है। तो इस ऐसी जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना सामने से, तो मुझे एक चीज़ बहुत मतलब लगता है कि जब भी कोई आंदोलन हो, जब भी समाज में कोई ऐसी समस्या आए, समाज के अंदर कोई बुराई हो, उस वक्त जितने बड़े लोग हैं ये कहने लगते हैं कि भाई तुम नौजवान हो, तुम नई नस्ल हो, तुमसे ही इनकलाब आएगा, तुमसे ही देश बदलेगा। और जब प्रतिनिधि बनने की बारी आती है, जब हम ये कहते हैं कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, तब कहते हैं कि नहीं तुम बच्चे हो, अभी तो हम दादा हैं, अभी नाना हैं। इससे मुझे तकलीफ होती है। तो इस चीज़ पर नहीं जाए। और अभी आम जनता से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप अगल बगल के रिजल्ट को देखें। हमारे क्षेत्र के बगल में अभी चुनाव हुआ, वहाँ का रिजल्ट आया, 24 साल 23 साल के लड़के भी जिला परिषद सदस्य चुन के आ चुके हैं फाइनली, और मेरी तो 32 साल उम्र है, तो फिर हम बच्चे कैसे। तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है, क्वालिटी देखना। देखिए, आपको ना रिश्तेदार चुनना है, ना अपना धर्म गुरु चुनना है, ना आपको मस्जिद के लिए इमाम चुनना है, ना मंदिर के लिए पुजारी चुनना है, आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आपको अपने प्रतिनिधि के लिए चुनना है। आप अपना प्रतिनिधि ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका काम कर सके, जाति मजहब बिरादरी खानदान इस सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको चुनना होगा। ये कुछ आम जनता से मेरा रिक्वेस्ट है। और कुछ पूछना चाहें आप तो
किस उद्देश्य के साथ आप आए हैं मैदान में, क्या कुछ करना चाहते हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ कीजिएगा क्षेत्र के लिए, लोगों के? देखिए, मेरे उद्देश्य में जो आमतौर पर जो मुद्दा होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब जो मुद्दा है वो तो है। मेरा एक उद्देश्य, जो खास उद्देश्य है, जो मेरा अपना खास मकसद है, वो जो हमारे समाज में जो सामाजिक सौहार्द है, जो आपसी भाईचारा है, पिछले कुछ सालों से इसका स्तर बहुत ही नीचे आ गया है। यहाँ तक कि आज किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो लोग उसमें समुदाय देखने लगते हैं। किसी का त्यौहार हो, किसी कोई खुशी में हो, कोई गम में हो, लोग उसमें समुदाय देखने लगते हैं। जबकि खुशी और गम ये बांटने की चीज़ है और लोगों को मिल के करना चाहिए था, जो आज तक हम करते आए हैं, क्योंकि ये देश सभ्यता और संस्कृति का देश है। हम यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं। यहाँ एक तरफ आरती होती है, दूसरी तरफ अजान होती है। तो मेरा सबसे जो प्राथमिक काम होगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि हर समुदाय, हर धर्म के जो लोग हैं, उनको मिलकर एक डोर में बांध के अपने समाज को मजबूत करने का काम करूँगा। आप पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो किस तरह आप इस पंचायत चुनाव को जीतेंगे? क्योंकि आपके सामने कई और भी प्रत्याशी होंगे, कई पैसे वाले होंगे, कई मजबूत कैंडिडेट होंगे, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है, किस तरह जो है विश्वास करते हैं कि आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सामने हम एक साधारण व्यक्ति है, एक युवा है। तो दो तरह की राजनीति होती है, धनबल और जनबल की। धनबल जिनके पास है, धनबल की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास धनबल है। लेकिन मेरे साथ हर जाति, धर्म, समुदाय के गरीब, वंचित, शोषित लोग, खास तौर से जो हमारे समाज की माँ बहनें हैं, वो बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ हैं, हमारे युवा साथी मेरे साथ हैं। यही हमारी ताकत है और इसी ताकत पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ आपको रिश्तेदार, रिलेटिव या धर्म गुरु तो चुनना नहीं है। आप धर्म, समुदाय, जाति, खानदान, इन सब चीज़ों के पड़े हटके आप इस चीज़ को देख के सिलेक्शन कीजिए। ऐसे आदमी को अपना मत दीजिए जो आपका प्रतिनिधि बनकर आपका काम कर सके। न कि अपने जाति को देखिए, ना अपने धर्म को देखिए। यहाँ धर्म का कोई बात नहीं है, यहाँ जाति की कोई बात नहीं है, यहाँ खानदान का कोई मसला नहीं है। यहाँ आपको प्रतिनिधि चुनना है, प्रतिनिधि ऐसा हो जो आपके ज़रूरत पर खड़ा उतरे, ऐसे लोगों का चुनाव आप कीजिए। यही हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे।